हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन मेहता, योर SS टीचर, एंड वी आर रीडिंग द चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन. एंड टुडेज कंटेंट इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वो सोशलिज्म. शायद लंबे समय से उद्देशित सोसाइटी के लिए जो एक उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं कि समाज का आधार क्या होगा, तो समाजवाद के आधार पर समाज का निर्माण कैसे किया जाएगा, एक बहुत लंबे समय के बाद जो है ये विचारधारा बन पाई. यानी बहुत लंबे समय के बाद, कैपिटलिज्म के बाद पहली बार वर्ल्ड के अलग अलग सोसाइटीज का स्ट्रक्चर जो है सोशलिज्म पर बेस्ड होने लगा था. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. 19वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में समाजवाद एक बहुत प्रसिद्ध विचारधारा बन चुकी थी, और समाजवाद की इस प्रसिद्ध विचारधारा ने वर्ल्ड वाइड यानी संसार भर के सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. समाजवादी लोगों ने व्यक्तिगत संपत्ति के खिलाफ थे, और इन्होंने इस समाजवाद को सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ माना. यानी उनका मानना था कि ये जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी या पैसा जो है, ये क्या है, सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ है अपने समय की. वाई, क्यों? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट. हालांकि व्यक्तिगत संपत्ति वाले लोग जो लोग होते हैं वो लोगों को रोजगार देते हैं, बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन. लेकिन इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं सिर्फ अपने पर्सनल फायदे के लिए, एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव. लेकिन इसका फ़ायदा उन लोगों को नहीं मिल पाता जिसने इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाया या फिर इससे बेनिफिट दिलवाया. यानी वर्कर्स लोगों को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को या जिनकी प्रॉपर्टी है उन्हीं को मिलता है. So if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interests. तो अगर ये society को पूरी property का मालिक बना दिया जाए, owner बना दिया जाए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो सामूहिक सामाजिक हित हैं उनको साधा जा सकता है, मतलब पूरी society का फ़ायदा किया जा सकता है. सोशलिस्ट वॉन्टेड दिस चेंज. समाजवादी लोग ये परिवर्तन लाना चाहते थे, एंड कैंपेन्ड फॉर इट. और इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किए या फिर इस टाइप के प्रयास किए कि जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी बन जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट उसको ओन करे या फिर उसका मैनेजमेंट संभाले. हाउ कूड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट. तो फिर एक समाज को बिना पैसे के या बिना प्रॉपर्टी के कैसे चलाया जा सकता है. यानी व्यक्तिगत संपत्ति अगर लोगों के पास नहीं होगी तो सोसाइटी कैसे चलेगी. वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी. सामाजिक जो विचारधारा पर आधारित समाज है तो उसका आधार क्या होगा. सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. समाजवादी लोगों के मन में भविष्य के लिए अलग अलग धारणाएं थी, अलग अलग उद्देश्य थे. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव. कुछ का मानना था कि सहकारिता से जो है काम चलाया जा सकता है, यानी कि सब मिलकर काम करें. इस टाइप से सहकारिता, कोऑपरेशन से काम चलाया जाए. कोऑपरेशन मतलब कुछ ग्रुप्स मिलकर जो है किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको संभालें और उसका फ़ायदा सब में बांटा जाए. रॉबर्ट ओन, अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, सोट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना. रॉबर्ट ओन ने, जो कि एक अंग्रेजी यानी इंग्लिश मतलब इंग्लैंड का रहने वाला ही है और मैन्युफैक्चरर मींस इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम उसने रखा था न्यू हार्मनी इन इंडियाना, USA के अंदर. तो उस कोऑपरेटिव संस्था के जरिए उसने उत्पादन करने की कोशिश की, यानी प्रोडक्शन शुरू करवाया और उसका फ़ायदा सभी को देने की कोशिश की जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे.
Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale, only though through the individual initiative. कुछ समाजवादी लोगों का मानना था कि सहकारिता से बड़े पैमाने पर जो है व्यक्तिगत इनिशिएटिव नहीं लिया जा सकता, मतलब कि इसको अकेला एक व्यक्ति नहीं चला सकता. दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव, से सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, यानी किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट को ओन कर लेना चाहिए और उसी को इसको रन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूज लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है और रिस्क है और काफ़ी कुछ और फैक्टर्स हैं, तो वो सभी चीज़ें हैंडल होती हैं एक बड़ी संस्था के जरिए जो कि गवर्नमेंट है. इन फ्रांस फॉर इंस्टांस लुइस ब्लांक वॉन्टेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज. फ्रांस में लुइस ब्लांक जो है उसने कोशिश की थी कि वो सरकार जो है इन कोऑपरेटिव सेक्टर की संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे और जो पूंजीपतियों के जो उद्योग हैं उनको हटा दे, यानी पूंजीपति वर्ग के या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की जगह इंडिविजुअल इंडस्ट्री की जगह कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को लगानी चाहिए, ऐसा लुइस ब्लांक का मानना था. दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर. ये वो कोऑपरेटिव संस्थाएं होंगी जिसमें जो लोग काम करेंगे वो मिलकर सामान तैयार करेंगे एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स, और जो प्रॉफिट होगा उससे वो काम करने की वजह से तो उस प्रॉफिट को उसके मेंबर्स सारे मेंबर्स में इक्वल बांट दिया जाए. कार्ल मार्क्स 1880 से लेकर 1883 और फ्रेडरिक एंजल्स एडिड देयर अदर आइडियाज इन दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इस बहस में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल नाम के जो सोशलिस्ट मेजर लीडर हैं उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए. मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट. कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज जो है वो कैपिटलिस्ट है, यानी पूंजीपति वर्ग का है, यानी ज़्यादा पैसे वालों का है. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज. कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति वर्ग के लोग जो हैं वो पैसा लगाते हैं फैक्ट्रियों में. एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स. और जो ये कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट सारा वर्कर्स की वजह से होता है. द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव एज लोग दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट. उसका मानना था कि जब तक ये जो प्रॉफिट है कैपिटलिस्ट के पास जाता रहेगा, यानी सारा मुनाफा पूंजीपति वर्ग के लोग ही लेते रहेंगे, तब तक मजदूरों के हालात सुधर नहीं सकते. वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म. तो मजदूरों को क्या करना चाहिए, इस पूंजीपति वर्ग को हटा देना चाहिए एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए जिससे कि सबको फायदा मिल सके. मार्क्स बिलीव दैट द टू फ्री themselves फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकल सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड. कार्ल मार्क्स का मानना था कि इस पूंजीपति वर्ग के शोषण से मजदूरों को अपने आप को मुक्त कराना चाहिए, वर्कर्स को एक ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहिए जहां पर सारी प्रॉपर्टी पूरी सोसाइटी के द्वारा कंट्रोल्ड हो, यानी पूरी सोसाइटी की हो. दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी. और ये इस टाइप की सोसाइटी जिसमें कोई एक व्यक्ति सारी किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा बल्कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक पूरी सोसाइटी होगी, इस टाइप की सोसाइटी को हम कम्युनिस्ट सोसाइटी यानी साम्यवादी समाज कहेंगे. ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट. उसका मानना था, उसका विश्वास था कि वर्कर्स लोग इस कैपिटलिस्ट के साथ इस अपनी इस लड़ाई में जीत जाएंगे. अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर. और आने वाला समय साम्यवादी समाज का होगा, यानी मजदूरों का होगा, जहाँ पर सभी सारी प्रॉपर्टी पूरे समाज की मानी जाएगी, ना कि एक व्यक्ति की. नेक्स्ट पैसेज है बेटा सेकंड पेज पर, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए फिर क्या क्या कदम उठाए गए या किस टाइप से लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया. सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में बेटा फर्स्ट स्टेंजा है आपका. बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप. 1870 के आसपास समाजवादी विचारधारा यूरोप में फैल चुकी थी.
to coordinate their efforts, socialist formed an international body, namely the Second International. अब 1870 में जब ये विचारधारा इतनी सुप्रसिद्ध हो चुकी थी, तो अपने कामों को बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए समाजवादी लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया और उसका नाम रखा सेकंड इंटरनेशनल, यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था. अब नेक्स्ट स्टेंजा बेटा, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. वर्कर्स ने इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर अपनी अपनी संस्थाएं खोलनी शुरू कर दी ताकि वो मजदूरों के अच्छे आजीविका के साधन जुटा सकें और उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करवा सकें. यानी अगर संस्थाएं होंगी तो उन्हें एक्सप्लोटेशन से बचाएंगी, उनके वर्किंग आवर्स कम करने के लिए, उनके लिविंग को बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स करेंगी या प्रेशराइज करेंगी गवर्नमेंट को या फिर ओनर्स को. दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट. उन्होंने पैसा भी जोड़ना शुरू किया, फंड इकट्ठे करने शुरू किए ताकि वो दुख तकलीफ के समय, निराशा के समय, डिस्ट्रेस का मतलब है यहाँ पे निराशा, निराशा के समय अपने सदस्यों की मदद कर सकें और उनके लिए वर्किंग आवर्स कम करवा सकें और उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिलवा सकें. इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. जर्मनी के अंदर ये जो एसोसिएशन थी वर्कर्स की, इसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हाथ मिला लिया एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. और इसने क्या किया, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने में उनकी मदद भी की. यानी ये संस्थाएं जो वर्कर्स की एसोसिएशन थी, इसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को पार्लियामेंट्री सीट्स को विन करने में हेल्प की. बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. 1905 के आसपास समाजवादी लोगों ने और जो ये व्यापारिक संगठन थे, इन्होंने अपनी एक लेबर पार्टी का निर्माण किया. लेबर पार्टी ब्रिटेन में बनाई गई और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में. आप इसको अंडरलाइन करते चलें बेटा, क्योंकि ये वन मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समटाइम्स पूछे जा सकते हैं. और इसके अलावा जो ऊपर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जिक्र आया है, उसको भी आप अंडरलाइन कीजिएगा. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. हालांकि 1914 तक समाजवादी लोग किसी भी देश में या यूरोप के किसी भी पार्ट में अपनी सरकार खुद की नहीं बना पाए. Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservative. लिबरल्स एंड रेडिकल्स. हालांकि ये लोग पॉलिटिक्स में अपना इफेक्ट दिखाने लगे थे, राजनीति में आने लगे थे, किसी न किसी राजनीतिक संस्था या दल के साथ जुड़कर, ये संसदीय राजनीति में एक इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करने लगे थे, लेकिन इन ये कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाए. लेकिन इनके विचारों की वजह से कानूनों को नए रूप से बनाने का जो है प्रावधान शुरू हुआ. यानी अब उनका भी ध्यान रखा जाने लगा. जब भी कहीं कोई लॉ पास किया जाता था तो वर्कर्स की कंडीशंस या वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए होने लगा. जो भी सरकारें थी उस समय की, चाहे वो कंजर्वेटिव्स की हों, लिबरल्स की हों, रेडिकल्स हों, सभी के ऊपर पॉलिसी फ्रेमिंग में इनका जो इम्पैक्ट है दिखाई देने लगा था. नेक्स्ट पेज पर बेटा रशियन रेवोल्यूशन का जिक्र आया है, यानी रूसी क्रांति. इन वन ऑफ द least industrialized of European states, the situation was reversed. यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि यूरोपियन स्टेट्स का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस थी, वहाँ पर बहुत उल्टी थी, क्योंकि रूस के अंदर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी उस बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया था. सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. सोशलिस्ट पीपल ने यहाँ पर 1917 में अक्टूबर की क्रांति करके रूस की शक्ति को अपने हाथों में ले लिया था. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन. देखिए बेटा, फरवरी 1917 और जो अक्टूबर में होने वाली यहाँ पर जो घटनाएं हैं या क्रांति की जो घटनाएं हैं, इन सबको कुल मिलाकर रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है. How did the this come about? ये कैसे घटित हुआ? What were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? जब ये रूसी क्रांति वहाँ पर हुई, तो उससे पहले वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियाँ कैसी थी?
टू आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू इयर्स बिफोर द रेवोल्यूशन। आइए देखते हैं रशिया के हालात जो कि क्रांति से वो कुछ साल पहले बने हुए थे। द रशियन एम्पायर इन 1914 में रूस का साम्राज्य। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य के ऊपर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। बिसाइड्स जार बेटा रूलर को कहा जाता है, यानी किंग को कहा जाता है, रूस के अंदर किंग को जार कहा जाता है, इसमें साइलेंट रहता है टी। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड एंड लेटविया लिथुएनिया इस्टोनिया पार्ट्स ऑफ पोलैंड यूक्रेन एंड बेलारस। तो इसमें उस समय आजकल के जो ये प्रदेश हैं या फिर जो स्टेट्स हैं वो भी शामिल थे। मॉस्को रशियन एम्पायर के अंदर करंट का, आजकल का फिनलैंड और लाटविया लिथुएनिया इस्टोनिया पोलैंड के कुछ पार्ट्स यूक्रेन और बेलारस इसमें शामिल था। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इसके ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और इसके अंदर आजकल के जो के एशियन स्टेट्स जो बीच में हैं, यानी सेंट्रल पार्ट में एशियन स्टेट्स हैं वो भी इसमें शामिल थे। वो कौन से स्टेट्स हैं? जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये वो स्टेट्स हैं जो एशिया के ठीक मिड में हैं, ये उसके पार्ट थे कभी। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यहाँ रूस का जो सबसे बड़ा धर्म, यानी यहाँ के ज़्यादातर लोग जो इस धर्म को मानते थे वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी रूस का कट्टरपंथी क्रिश्चियन धर्म। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से बाहर निकला है, मतलब वहाँ से फैलता हुआ रशिया तक पहुँचा है। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन इस एम्पायर के अंदर शामिल और भी चीज़ें थी, यानी कौन से लोग शामिल थे? कैथलिक्स भी यहाँ पर रहते थे, प्रोटेस्टेंट ये भी यहाँ पर रहते थे, ये दोनों बेटा क्रिश्चियन रिलीजन के ही पार्ट्स होते हैं, विंग्स होते हैं, और मुस्लिम्स भी रहते थे यहाँ पर, और कुछ हद तक यहाँ पर बुद्धिस्ट पीपल भी रिसाइड करते थे, यानी रहते थे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, इसको आप रीड कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू।